अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने और मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं अपने साथ घुमाने। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब हम लोग घर से निकल चुके थे और ये हमारे घर के थोड़ा ही नज़दीक पेट्रोल पंप था, तो थोड़ा सा पेट्रोल कम था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि कितनी मज़ा आ रही थी मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना था पर ये ऑलमोस्ट 5-6 के करीब हम लोग निकले थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी और हम लोग बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे थे। तो जब थोड़ा सा बारिश थोड़ी सी हल्की सी डिम हुई, थोड़ी सी एक फुहार वाली जो होती है ना कहते हैं, उस बारिश में हम लोग निकले। और ये अभी हम लोग कैंट में चल रहे हैं, तो मतलब कैंट का व्यू बेस्ट व्यू है यार। गाइस आई कांट एक्सप्लेन यार, मतलब आई रियली लव दिस लोकेशन। और आइदर यू कैन सी से कि ये रोड ही मुझे बहुत पसंद है, ये जो कैंट वाली रोड है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी है और बहुत अच्छा, मतलब जब हम लोग यहाँ घर से निकलते हैं ना तो ये मुझे अपने घर से निकलने के बाद यही व्यू बेस्ट लगता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और बारिश की वजह से रश भी बहुत ही अच्छा रश था। और ये ग्रीनरी देख कर ना मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सा हो गया, बहुत मतलब अपने आप में एक अच्छा लगता है। तो देख रहे हैं अभी मेट्रो की वजह से जो है ना रूट बहुत ज़्यादा उथल पुथल सा हुआ है, तो जब मेट्रो बन जाएगी तो बहुत ही आसान रास्ता है। तो अभी हम लोग ये स्टेटस क्लब वाली रोड से जा रहे हैं, तो यहाँ से एक फ्लाईओवर बनाया हुआ है तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जा रही है, वरना अगर हम उस साइड से जाते हैं ना माल रोड के साइड से तो यार बहुत ज़्यादा रश भी होता है और टाइम वेस्टिंग भी होता है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल जब तक कि मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाता तो हम लोग इधर से ही जाते हैं। और ये देख रहे हैं ये फ्लाईओवर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी है, यहाँ से मतलब टाइम के शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज ऑफ कि हालांकि ये थोड़ा दूर पड़ता है पर लेकिन जो यहाँ पर रश इतना नहीं होता है तो उससे हमारा टाइम बच जाता है। अगर हम उस साइड से आते हैं माल रोड के साइड से तो टाइम का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। और गाइस मुझे बारिश वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब ऐसे पसंद है कि जब मैं घर पे होती हूँ, मैं जब बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कीचड़ वीचड़ हो जाती है ना तो उससे घूमना और निकलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हमें नहीं अच्छा लग रहा था। पर ये मतलब मौसम इतना अच्छा था तो इस मौसम में मोस्टली लोग गंगा बैराज जाते हैं, पता नहीं गाइस सबको वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है पर मुझे बहुत बड़ा फोबिया है उस चीज़ से। तो पता नहीं क्यों मुझे पानी देखकर ना एक अजीब सा डर ऐसा होता है कि नहीं अल्लाह ताला मुझे नहीं है, मतलब दूर से ही मैं देखती हूँ। देख रहे हैं रश की वजह से मेरा थोड़ा सा फेस भी बहुत सैड सा हो गया था क्योंकि हम लोग इतने एक्साइटमेंट के साथ निकले थे घर से कि आई कांट टेल यू, बट क्या कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली मैंने कोशिश करी थी कि मैं आपके साथ एक प्रॉपर व्लॉग शेयर करूं, बट प्लीज़ एक्सक्यूज़ गाइस, बट हुआ क्या ना कि रश बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से नॉइज़ भी बहुत थी, प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे थे, दे पा रहे थे अपना एक प्रॉपर व्लॉग नहीं दे पा रहे थे बोल के। तो अब ये हम जहाँ चल रहे हैं ये हम पहले यहीं पर रहते थे और जहाँ पर मेरे फादर की शॉप है, तो ये देख रहे हैं
इसको कहते हैं स्वरूप नगर, नहीं सॉरी, इसको कहते हैं तिलक नगर आई थिंक, है ना? हाँ तिलक नगर कहते हैं इसको। तो यहीं पर ही मेरे फादर की शॉप है, ये श्री लगन है। बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर, आपको हर चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स बन गए हैं यहाँ पर। तो अभी आगे मेरे फादर की शॉप आएगी, देखेंगे आप लोग व्लॉग में। तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ थोड़ी ही देर में, आई एम सो एक्साइटेड। और प्लीज़ गाइज डू विज़िट माई फादर शॉप, फिरोज़ पान शॉप, कानपुर की बेस्ट और बेस्टेस्ट पान शॉप है, ऐसा कह सकते हैं है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं मेरे पापा खड़े हुए हैं सामने और मेरा भाई खड़ा हुआ है। ये पेट्रोल पंप पे है हमारी शॉप। पहले हमारी शॉप इसके सामने हुआ करती थी, बट किसी वजह से वो टूट गई। सामने हम लोगों ने पापा ने, तो प्लीज़ आप लोग सभी मेरी शॉप पे ज़रूर आइए। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं, सैंडविच लिया उससे, मेरे चैनल का नाम लिख सैंडविच लिया, मेरा प्रमोशन मिल रही है। अच्छा देता सैंडविच, दे पैसे दे, ये देखिए बगल दे। Hey there guys, welcome back to my channel. This is me, Hera Feroz, and you're watching my channel. तो आज हम लोग निकले हैं घूमने, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो रहा है। और अभी हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं अपने फादर की शॉप पर, तो बच्चे थोड़ा सा गए हैं सामान वामान लेने, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं जब तक सब लोग आ नहीं जाते हैं। फिर हम लोग आपको आज लेकर चलते हैं अपने साथ गंगा बैराज, क्योंकि बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो गंगा बैराज में बहुत मज़ा आएगी। वैसे कानपुर में कुछ ही जगह हैं ऐसी कि जहाँ पर मतलब अच्छा लगता है जाने में, और स्पेशली ऐसे मौसम में। तो चलिए आपके साथ अपने साथ हम लोग आपको लेके चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग से होने वाला है। सो चलिए देखिए, पीछे मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा आ गया। तो ओहो कैब गिर गई, तो चलिए फिर चलते हैं। गाइस फादर की शॉप आए और पान ना खाए तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। तो चलिए अच्छा सा पान एंजॉय करते हैं। पानी लिया, पानी लोटा मैंने मम्मा मांग रही ऑफलाइन तो अब हम लोग निकल चुके हैं गंगा बैराज के लिए, और यहाँ पे मैं अपना पान एंजॉय कर रही थी इसलिए बोल नहीं पा रही थी। तो चलिए चलते यार, जो है क्या कहते हैं, ऐसे वेदर में फॉग बहुत ज़्यादा ही बनता है, और जो क्या कहते हैं गाड़ियों में, उसकी वजह से हम नहीं अच्छे से मतलब एंजॉय कर पा रहे थे, वरना ये फ्रंट का व्यू तो बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं निकल चुके हैं गंगा बैराज के लिए, देख रहे हैं कितनी प्यारी सी डॉल्फिन बनी हुई है। तो गाइस जिस जिसको नहीं पता हो तो हम आप लोगों को बता दें कि जो जहाँ पर गंगा बैराज है तो यही मेन ओल्ड कानपुर है, और जो जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं और जो है सिटी है जो मेन, वो सब जो नया बना हुआ है, लेकिन जो मेन जो कानपुर है, जो ओल्ड कानपुर, वो यही है मेन ओल्ड कानपुर जो है, वो नवाबगंज की साइड है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यार कानपुर में बहुत ज़्यादा रश होने लगा है, इस रश की वजह से हमारा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं, वैसे तो अभी आगे आप लोग देखेंगे हमारा प्लान था कि गाड़ी साइड में लगाकर हम उतर के पानी को एंजॉय करेंगे, बट पानी बहुत ज़्यादा ही यू नो हाई लेवल पे था और डैम भी खुला हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा नहीं सही लगा, मुझे अनसेफ लग रहा था, क्योंकि मुझे मैंने बताया ही आप लोगों को कि मुझे थोड़ा सा फोबिया है चीज़ों से, मतलब पानी वाली चीज़ों से, ये गंगा से और ये गंगा बैराज वगैरह से, तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे कि आप लोग बताएं मुहर्रम चल रहे हैं, तो मुहर्रम की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी, बैरिकेटिंग्स थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे
करबला भी है, बड़ी करबला जैसे कि सबको पता है, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। ये जितना आसान लग रहा है ना व्लॉग में, ये बिल्कुल भी इतना जल्दी हम नहीं निकल पाए हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा है निकलने में। देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, आप देख रहे होंगे जैसे कि मतलब लाइन बाय लाइन गाड़ियाँ लगी ही हुई थी, तो बट मज़ा बहुत आई और हम लोग ने बहुत ही अच्छा इन्जॉय करा। और ये देख रहे हैं बहुत अच्छे से सब डेकोरेट हुआ है, कानपुर, मेरी जान और परिवर्तन, मतलब ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कानपुर की और इस गंगा बैराज की शान बढ़ा रही है। और जैसे देख रहे हैं वहाँ पर कानपुर का स्टेशन बना, बहुत अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है यार, मतलब अच्छा लगता है ऐसे वेदर में, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो हमेशा ही इतनी भीड़ होती है। तो अभी फाइनली वी आर हियर इन गंगा बैराज और पानी देख रहे हैं कितना मस्त, मतलब बहुत ही ऊपर तक की पानी आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। तो अभी हम लोग भी साइड पे गाड़ी लगाएंगे और दूर से ही देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत फोबिया है पानी से, आई डोंट लाइक वाटर, तो मैं थोड़ा सा दूर से देखती हूँ। तो हम पहले जान लेते हैं जो लोग जा रहे हैं अपने आदमी, आगे गाड़ी लगाना मुझे थोड़ा सा नहीं सही लग रहा था, तो मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया कि चलो मैगी खाने चलते हैं। और एक चीज़ और है ना कि गंगा बैराज आके आपने मैगी नहीं खाई तो फिर कुछ नहीं किया आपने। यहाँ पर हमारी मैगी बन रही है, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा। अभी हम लोग रुके हुए हैं, सबसे बड़ा वाला ले लो, और हमारी यहाँ पर मैगी बन रही है। और ये मेरा बेटू है अशु, मेरा गुड्डा, और ये है मेरा खिजर। हम लोग पूरी फैमिली आज बहुत दिन के बाद कहीं घूमने निकले हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसे मौसम में किसको किसको मज़ा आती है घूमने में, हमें तो बहुत मज़ा आती है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत ज़्यादा। मैगी का बारिश में मज़ा ही कुछ और है। और हम लोग इस टाइम है मैगी पॉइंट पे गंगा बैराज में, और यहाँ पर लाइन से पूरी मैगी पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए हम लोग भी अपना मील एंजॉय कर लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग ने घूम लिया और मैगी को भी एंजॉय कर लिया, अब हम घर वापस लौट रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।